दुख ते अफसोस आ, मोर्चा लग्या हो गुरु ग्रंथ साहब अपमान करन वाले दोषियों नूं सजावां दवाउण वास्ते। ते मैनूं इह गल कहण लग्या होर शर्म महसूस हुंदी है कि उही सरकार जिहदे लीडर चुटकी बजा के कहिंदे सी वी चंद दिनां दे विच गुरु ग्रंथ साहब दा अपमान करन वाले दोषी सलाखां दे पिछे होणगे। अज दुख ते अफसोस है कि उत्थे पक्का मोर्चा, दूजे पासे चंडीगढ़ दीआं बरूहां दे उत्ते पक्का मोर्चा। बंदी सिंह जिस तन लागे सोई जाने, सच ते झूठ दी लड़ाई लड़दा मेरे उत्ते दोस्तों 27 मुकदमे आ, 16 मुकदमियां दे विच्चों हुण मैनूं जमानत मिली आ, 27 टोटल मुकदमे आ ते 16 दे विच्चों जमानत 7 महीने बाद जिस तन लागा सोई जाना है। ते ओह लोक पक्का मोर्चा लग्या चंडीगढ़ दीआं बरूहां दे उत्ते, अदालत ने सजा दित्ती किसी सिंह नूं 15 साल दी भुगतली 15 साल दी, ते उस तों बाद 23 सालां तों लगातार कोई 25 सालां तों लगातार जेल दे अंदर आ। एक सारता नहीं मेरे दे महान देश दे अंदर अज एक सारता दी जरूरत आ, बिना यह देखे भी यह किहड़े धर्म दा किहड़ी जात दा किहड़ी कौम दा। बंदी सिंघां नूं तुरंत रिहा कराउण वास्ते भी मोर्चे लाउणे पैण। ओह कौम जिहदा शाना मत्ता इतिहास होवे, लासानी कुर्बानियां दित्तियां होण जिस देश नूं आजाद कराउण दे विच, अज बंदी सिंह जिहड़े 30-30 साल 32-32 साल तो जेलां दे विच बैठे उहनां दी रिहाई वास्ते पक्के मोर्चे लाउणे पैण। एंड रेते दी गल करदा, मैं तुहाडे नाल ज़्यादा समां नहीं लैणा, रेते दी गल करदा। हाथी दे दंद खाण वाले होर आ ते दिखाउण वाले होर आ। आ परसों चौथ ये कह दिए भी हाथी दे दंद खाण वाले तां होर आ, दिखाउण वास्ते तुहाडे जरिए लोकां दे विच इक भरम भुलेखा पैदा करता, कहिंदे आ जाओ ट्रालियां लैके जिहनूं रेता चाहीदी है। पर ट्राली तुहाडी डबल टैरी होनी चाहिए है, सिंगल टैरी ट्राली ना आवे। भाई की गल हो गई, सिंगल ट्राली नूं की गल आ, तुहाडी ट्राली नूं जेसीबी नहीं भरूगी, मशीन नहीं भरू, पॉक लाइन नहीं भरूगी, मतलब तुसीं रुड़ खुड़ के दिन दे विच इक गेड़ा ट्राली नाल लाओ। ये उही सरकार जिहड़ी वोटां तों पहलां 2022 दीआं वोटां तों पहलां उही पार्टी जिहड़ी वड्डे वड्डे बदलाव ते रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गल्लां करदी सी, ते अज गल कित्थे खड़ी है। अज कॉमन सरकार दिल्ली ते पंजाब दे अंदर इक्को पार्टी दी, पंजाब दे पाणी दी कीमत। भगवंत मान मेरे दोस्त रहे आ, मुख्यमंत्री आ, मैं अपील करदा उहनां नूं भाई उत्थे भी तुहाडी पार्टी दी सरकार आ, पंजाब दे अंदर भी तुहाडी पार्टी दी सरकार आ, भेजो बिल केजरीवाल साहब तों पाणी दी कीमत लैओ। 5 लाख करोड़ रुपये दे करीब पंजाब करजई, ते तुहाडी करजा लैण दी स्पीड अकाली ते कांग्रसियां नालों सवाया आ सवाया, ये मैं नहीं कह रहा अंकड़े बोलते हैं। सो अज पंजाब नूं बचाउण वास्ते मैं कहूँगा कि पंजाबियों नूं हिम्मत दलेरी ते समझदारी तो कम लैण दी जरूरत है, समझदारी तो। लोकतंत्र बड़ा महान है, लोकतंत्र ने दो धिरां नूं 2022 दी इलैक्शन मौके विधानसभा दी चोण मौके दो धिरां नूं अकल सिखाई है। पहली धिर तां हैगी जिन्हां ने लंबा समां राज कीता अकाली ते कांग्रेस, उन्हां नूं अकल सिखाती भाई लोक जदों राज दिंदे आ ते बंदे दे पुत बन के इमानदारी दे नाल सरकार चलाओ। ते दूसरी अकल लोकतंत्र दी महानता वोटर नूं दित्ती आ कि अपना नुमाइंदा चुण लग्गिआं ध्यान दे नाल परख के भी इह की तुहाडे हितां दी रखवाली कर सकदा, इहदी बैकग्राउंड की आ। मैनूं कोई कह देवे तुहाडे चों दोस्त भी आ मोबाइल ठीक करके दिखा, मैं दोस्तो मोबाइल किदां ठीक कर लूंगा। हाँ तुसीं मैनूं कह दिओ कोई करप्ट अफसर तुहाडा काम नहीं करदा इहनूं ठीक कर दे, उह तां मैं कर दूंगा। जिसका काम उसी को साजे, महीने होया 11, हजे तां मैं कहूंगा कि पंजाब दे वोटर ने ट्रेलर देखिआ लोकतंत्र दी महानता, हजे फिल्म चलनी आ। आ जलंधर दी लोक सभा बाय इलैक्शन आ रही है, फिल्म चलनी है इदू बाद दे विच, मेरी गल नोट कर लिओ। सो मैं धन धन श्री गुरु रामदास जी सोडी सुल्तान सच्चे पातशाह दे चरणां दोनों हाथ जोड़ के सिर नीवा करके अरदास बेनती कर लाँ कि सच्चे पातशाह ऐसे सानू सूझबानता, ऐसा सानू दलेरी भरिया जुस्सा दिओ कि असी पंजाब जिहड़ा देश दे टॉपर सूबिआं दे विच हुंदा सी अज पिछे चले गया, असी पंजाब नूं दुबारा तों ਮੋਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 16 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਦੋਸਤ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰੇਪ ਬੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
मैं थोनू 27 कह के हटिया 16 चो हूँ 7 महीनों के जमानत हुई है अदालत मैं जस्टिस का टैंपल कहना न्याय का मंदिर तो उस जो जज बैठा मेरे वास्ते देवता रबिया न्याय देगा मैं दुध का दुध पानी का पानी होगा। असी हजे कोई राजनीतिक पार्टी साड़ी दी जिहड़ी पीएसी उहदी मीटिंग नहीं कीती, मीटिंग करांगे एजेंडे ते होएगा बाय इलैक्शन जलंधर एंड नगर निगम दीआं चोणां उहदे ते असी की स्ट्रैटजी फ्रेम करनी आ तुहानूं दस्सां। तुसीं जे किते बरनाला जेल जा के देखदे तुसीं कहणा सी रिवर्ट हो गया, इह कुदरत दा सिधांत आ। तुसीं किसे चीज़ नूं प्रेस करोगे ना उहनूं दबाओगे ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਾਉ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਨੀ ਕੈਂਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਤ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕਿੜਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ।